पढ़ा दूंगा। और जरा सुन लो, हमारे ऊपर जो इस जमाने में बहुत बड़ा इल्जाम है और कहा जाता है कि हाँ ये बड़े गुस्ताख हैं वलियों के, नऊज बिल्ला। किसके गुस्ताख हैं मेरे भाई? किताब सुन्नत में वलियों का तस्किरा है, वलियों का तस्किरा है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हम कैसे उनकी मुखालफत कर सकते हैं? औलिया अल्लाह से मोहब्बत करना, उनकी अजमत करना, उनका एहतराम करना, उनके नक्शे कदम पर सिरात मुस्तकीम पर हैं तो नक्शे कदम पर चलना, ये हम इससे हमें कोई मुखालफत नहीं है। और मुखालफत सिर्फ दो चीजों से है मेरे भाई, बल्कि एक चीज से मुखालफत है बस, वो क्या? हम अकीदा रखते हैं अल्लाह के महबूब बंदे हैं, बहुत दीन का काम किया होगा, बड़ी खिदमत की होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने लेने देने और मुसीबत दूर करने का इख्तियार इनको नहीं दिया। बस हाजत रवा मुश्किल कुशा लेने देने वाला सिर्फ वही एक अल्लाह है, उसके अलावा कोई हमें देने पर कुदरत नहीं रखता। और हम यह अकीदा रखते हैं इस बिना पर, चूंकि अल्लाह ने कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर हमें बता दिया है कि इनको कोई इख्तियार नहीं, ना तुम्हारी फरियाद सुनते हैं ना ये देखते हैं और लायक्स और ना तो ये तुम्हारे तुम्हारे नुकसान और फायदे के मालिक हैं। मेरे भाइयों, हम मुखालफत करते हैं सिर्फ इस चीज की कि अल्लाह ताला ने अपने खुदाई में उनको शरीक नहीं किया है। जो कुछ मांगना है, जो कुछ लेना है, अल्लाह ताला से मांगो। अल्लाह ताला ने उनको लेने देने का कोई इख्तियार नहीं दिया है, बल्कि सबसे बड़ा झगड़ा होता है करामात औलिया पर। अल्लाह अकबर, ये हमारे जिम्मेदार मौजूद हैं। मैं समझता हूं कोई अहले सुन्नत वल जमात करामात औलिया का इनकार नहीं करता, कि करते हैं शेखा नादिम साहब, आपका क्या कीदा? आज सुन लो, कहा जाता है दुनिया के सबसे बड़े वहाबी कहां है? सऊदीया में। सुन लो कान खोल करके, कहा जाता है सारे वहाबी कहां इकट्ठा है? सऊदीया के अंदर मदीना यूनिवर्सिटी में, मक्का यूनिवर्सिटी में। हर आदमी कहता है, लेकिन वहां से लेकर के यहां तक आ जाओ, अल्लाह अकबर, वहां भी जो अकीदे की किताब अकीदतु तहाविया पढ़ाई जाती है, उसमें भी हमें यही सिखाया गया, वहाबियों ने भी हमें यही सिखाया है, करामातुल औलिया हक्कुन, औलिया की करामतें बिल्कुल बरहक हैं। अब क्या रह गया भाई? जो कहते हो दुनिया में सबसे बड़े वहाबी कहां है? वहाबी की तालीम वहां दी जा रही है। तो मेरे भाई, वहां भी अकीदे में जो बताया गया अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि औलिया की करामत बरहक है। हां, लेकिन झूठी करामतों को हम नहीं मानते। झूठी करामतें कैसे? माशाल्लाह, ऐसे सेहतमंद एक नौजवान किताब सुन्नत का शैदाई पाकिस्तान गया, उसका साढ़ू साढ़ू, उसका साढ़ू समझते हो? नहीं समझते? आ? क्या कहते हैं मोड़ा आपके यहां साढ़ू को? साढ़ू बोलते हैं। चलो, ये भी वही कह रहे यूपी के करो। साढ़ू, अल्लाह अकबर, साढ़ू था पीर परस करामत वाला। मेरे भाइयों, करामातुल औलिया हक्कुन, किताब सुन्नत के औलिया से, किताब सुन्नत से औलिया की करामतें साथ साबित है। वहाबी भी यही तालीम देता है, मदीने में सीटी में तालीम दी जाती है, लेकिन सच्ची करामतें झूठी करामतें नहीं। और कैसी करामतें? सुनो एक मिसाल। छुट्टी गया पाकिस्तान, माशाल्लाह, तो उसके साढ़ू ने कहा, तुम वहाबी हो, औलिया की करामत नहीं मानते, चलो मैं अपने पीर की सच्ची करामत तुमको दिखला देता हूं। कहा चलो भाई, चला गया। दरवाजा खुला, बड़ी से मजलिस बनी हुई है और दीवार जहां टेक लगा के बैठता है, पीछे जो है छोटे छोटे बक्स बने हुए दीवार में है, ढक्कन वाले, सरका दो तो हाथ अंदर चला जाए। अच्छा, उनकी करामत क्या है? साहब, मेरे पीर साहब माशाल्लाह ऐसे बाकरामत हैं, उनकी मजलिस में जो इंसान जो फल चाहता है वो मिल जाता है, जो फल चाहोगे मिल जाएगा। बहरहाल मजलिस जमी, पीर साहब आए बैठे। हां, क्या खाओगे? हमको अंगूर बड़ा पसंद है, वो भी सफेद अंगूर चाहिए, काला वाला नहीं। पीर ने हाथ डाला पीछे बक्स में और निकाल करके अंगूर दे दिया। अब वो जो वहाबी अहले हदीस गया था साढ़ू, देखा बाबा की करामत, अच्छा तुमको क्या चाहिए? हमको कश्मीरी सेब चाहिए, लाल वाला।
हाथ डाला दे पकड़ा दिया कश्मीरी से, तुमको क्या चाहिए? हमें शेखू शेखूपुर वाला किन्नू यानी संतरा चाहिए। हाथ डाला दे दिया, उसने जो मांगा अंगूर मांगा सेब मांगा संतरा मांगा मौसमी मांगा बुरतकम सब दे दिया। अब ये बेचारा जो मुहिद मुहिद जल्दी फंदे में नहीं फंसता, क्यों? ओ नूरे ईमानी से हर चीज देखता है। उसकी बारी आई, हाँ आप क्या चाहते हैं? हम नाश्ता करके, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। करामतुल औलिया हक कौन? हम किसी वली की सच्ची करामत को नहीं झुटलाएंगे, लेकिन झूठी करामत वाला दज्जाल और शैतान होगा, ये याद रखना। देखा आपने, उस अहले हदीस ने कहा हमें तो नहीं चाहिए, हम नाश्ता करके आए। वो ये सोचता है शिरकिया अमल क्यों करें हम, बहुत इसरार किया, नहीं कुछ तो ले लो। साहू ने कहा साहब मेरी तौहीन हो जाएगी, आका के यहां जो आता है वो कुछ ना कुछ लेके जाता है। बड़ा होशियार था, उसने कहा हमें तरबूज चाहिए। क्या चाहिए? तरबूज चाहिए। अब निकाल करके दिखाओ, मुरीदों के आने के पहले पहले मार्केट से ला करके सारे वक्त तूने भर दिया है, अंगूर का है, संतरे का, मौसमी का, मौस का, सेब का, लेकिन तरबूज वो भी मांगा तो बड़ा वाला, अब उठाने की ताकत नहीं, वहां पीछे है भी नहीं। ऐसी जाली करामतें जो हैं, ऐसी झूठी करामतों का इनकार करती हैं, और हम नहीं करते। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने पहले किया है, सुन लो। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक शख्स आया और आने के बाद कहता है कि साहब आज बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? आज एक साहब बता रहे थे, मैंने एक आदमी को देखा, वो पानी में चल रहा था, अल्लाह का बड़ा वली वो चल रहा था और डूबता नहीं। इमाम शाफई ने कहा तो क्या बड़ा कमाल किया, उसने तो छोटा थोड़ा बताया। मैं कहता हूं सुन लो, ये है अहले हदीस, यही है इमाम शाफई, जिन्होंने सुन लो दुनिया में इमामों में सबसे पहले जिसने तकलीद के खिलाफ किताब लिखी है वो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। अंग्रेजों ने पैसा दे करके उम्मत पे फूट डालने के लिए तकलीद के खिलाफ तस्लीफ किताब तस्लीफ नहीं करवाई है। सबसे पहले जिसने तकलीद के खिलाफ और इत्तेबाए सुन्नत के लिए तकलीद के खिलाफ जिसने किताब लिखी है वो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। उठाओ मुख्तसर मुतनी, पहले सफे पर आपको ये मजमून मिल जाएगा। मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह अकबर। इमाम शाफई ने कहा सुन लो, उसने तो कुछ नहीं कहा, मैं कहता हूं अगर देखो कि पानी पर चल रहा है डूबता नहीं, आग पर टहल रहा है जलता नहीं, फिजा में उड़ रहा है गिरता नहीं, पानी पर चलते हुए देखो डूबता नहीं, आग पर खड़ा है जलता नहीं और फिजा में उड़ रहा है गिरता नहीं, तो ये सारे करामतें उसकी देख करके उसको वली नहीं समझना जब तक कि उसके अमल को किताब सुन्नत पर ना देख लो। किसी को वली उस वक्त माना जाएगा जिसका अमल किताब और सुन्नत के मुताबिक हो। अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह के औलिया वो है जो ईमान रखते हैं अल्लाह की जात, अल्लाह की जात पर। व कानू यत्तकून, और तकवा अल्लाह ताला से डरा करते थे। तकवा का मतलब यह है अल्लाह के अवामिर पर अमल करते थे, अल्लाह के फराइज पर अमल करते थे और अल्लाह ताला के मनहियात मुनकरात मुहर्रमात से अपने आप को बचाते थे। तो मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह हैं, यह जमात बिला वजह किसी बातिल की मुखालफत करती है, किसी हक की मुखालफत नहीं करती। अल्लाह ताला हम तमाम